हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को टाइमलाइन के साथ समझने वाले हैं कि सबसे पहले से लेके कुछ खास जो 12-15 प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो अधिकांश महिलाओं में देखे गए हैं, होते हैं, वो कौन कौन से हैं और वो कब कब अपीयर होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सभी प्रेगनेंसी सिम्टम्स सभी महिलाओं को नहीं होते। हर महिला का शरीर अलग होता है, किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, किसी को नहीं होती। जब आप सभी प्रेगनेंसी सिम्टम्स को समझ लेते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती है। एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है वो आपको अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड से डिफर करने में, या पीरियड से पहले, पीरियड के बाद अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो डिफरेंस आते हैं आपकी बॉडी में, उससे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वो सबसे पहला प्रेगनेंसी सिम्टम कौन सा है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स का ऑब्जर्वेशन ओवुलेशन के बाद किया जाता है। जनरली ओवुलेशन होने के 6-10 दिन के बाद में हमको सबसे पहला, सबसे जल्दी होने वाला प्रेगनेंसी सिम्टम नज़र आता है, वो होता है माइल्ड क्रैम्पिंग या फिर स्पॉटिंग। इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो समय होता है जबकि एक एग जो कि स्पर्म से फर्टिलाइज हो चुका है आपके गर्भाशय की दीवार में जाके चिपकता है। तो इस समय हल्की क्रैम्प हो सकता है, आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे कई वीडियो हैं, उनको देखें, गहराई से इस विषय को समझें। उसके बाद जो समय होता है, पीरियड का समय होता है। तो अगर आप गर्भधारण कर चुकी हैं, अगर आपको इम्प्लांटेशन हो चुका है सफलतापूर्वक, तो आपको पीरियड मिस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी महिला को सफलतापूर्वक इम्प्लांटेशन हो गया है तो उसका पीरियड मिस हो जाएगा, और ये दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है प्रेगनेंसी का। जैसे ही आपको पीरियड मिस होता है, उसके थोड़े समय बाद, एक आध हफ्ते के दौरान में आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। हो सकता है कि आपको 2-4 दिन बाद से ही ऐसा महसूस हो। तो बहुत ज़्यादा थकान होना आपकी बॉडी के एग्जॉस्ट होने का साइन है। अगर आपको पीरियड में सोने के बाद बहुत थकान हो रही है तो ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी ओवर टाइम कर रही है। कैसे? एक तो आपकी बॉडी खुद को नरिश कर रही है, दूसरा गर्भ में जो भ्रूण रोपित हुआ है उसके पोषण के लिए भी लगातार काम कर रही है। तो जब बॉडी ओवर टाइम करेगी तो हम बहुत जल्दी थकेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होगी। अगला लक्षण है उबकाई का आना। जैसे जैसे गर्भ में रोपित भ्रूण का विकास होता है, हमारे शरीर में खून के अंदर हार्मोन्स का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ हार्मोन्स का स्तर हमारे उबकाई के लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पाँचवा सबसे बड़ा लक्षण है ब्रेस्ट में टिंगलिंग सा फील होना या फिर ब्रेस्ट में पेन रहना, और इसका भी प्रमुख कारण है शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। इसके बाद अगला जो लक्षण अपीयर होता है वो है यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन आना। तो शरीर में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्पीड से हो रहे होते हैं तो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना स्वाभाविक है। सातवां सबसे प्रमुख लक्षण है ब्लोटिंग या गैस का फील होना। जब प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स का स्तर हमारे शरीर में बढ़ता है तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो पाचन की क्रिया है, वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स का ये इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें गैस ज़्यादा बनना, भूख कम लगना, ब्लोटिंग होना स्वाभाविक है। आठवां सबसे बड़ा सिम्टम है मोशन सिकनेस। नवां सबसे बड़ा सिम्टम है मूड स्विंग, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी उनको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लेती है। एक महिला को एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, उसके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। दसवां सबसे बड़ा सिम्टम है बॉडी का टेम्परेचर चेंज। ग्यारहवां सिम्टम है बीपी में फ्लक्चुएशन होना और चक्कर आना। फ्रेंड्स, बॉडी के अंदर खून का जो वॉल्यूम है, मात्रा है खून की, वो बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में खून का दौरा भी बढ़ा रहता है, और हॉर्मोन्स के सर्ज की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, और ये एक रीज़न है कि हमें कभी कभार हल्के फुल्के चक्कर होते हैं, या कभी कभी हमको फैंट भी महसूस हो सकता है। इसी तरह 4-6 हफ्ते बीत जाने पर अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपको एक्सट्रीम टायर्डनेस, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, आपको सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपको काम करने में बहुत ज़्यादा, अपने रूटीन वर्क करने में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, आप एकदम एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। अगला सिम्टम है फास्टर हार्ट बीट, आपकी धड़कन, वो भी इस समय 4-6 हफ्ते तक
आते आते बहुत तेज महसूस होगी आपकी। जैसे ही आपको गर्भधारण किए हुए 4 से 6 हफ्ते हो जाएंगे, आपको अपनी हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ी से चलती हुई महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ खास प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे। हो सकता है इनमें से 2-4 प्रेगनेंसी सिम्टम किसी को हो, किसी को कोई सिम्टम देरी से हो, कोई सिम्टम जल्दी हो जाए, लेकिन सामान्यतया ये सिम्टम महिलाओं में पाए जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, और ये शुरुआती महीने में, शुरुआती 1 महीने के अंदर ये सभी सिम्टम अक्सर नोटिस किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अपनी प्रेगनेंसी को समझने में बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आप प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो YouTube मॉम चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और इसी तरह बने रहिएगा YouTube सहेली चैनल पे। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उपयोगी विषय के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।